पक्ष विपक्ष के खेल में किसानों के साथ दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही है। प्रदेश की जनता और किसानों को दोनों ही पार्टियां बेवकूफ समझ रही है। इसी के चलते झाबुआ शहर में सोमवार को भाजपा और कांग्रेस द्वारा आंदोलन किए गए। कमलनाथ सरकार की हर मोर्चे पर विफलता को लेकर किसान आक्रोश आंदोलन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उषा ठाकुर मौजूद रही। राजवाड़े पर ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ा। यहां से रैली के रूप में भाजपाई कलेक्टरेट पहुंचे। यहां नारेबाजी करते हुए बिजली के बिलों की होली जलाई। तो वहीं सोमवार को कलेक्टरेट परिसर में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में कलेक्टरेट परिसर में फसल मुआवजे को लेकर धरना दिया गया। भूरिया ने बर्बाद हुई फसल का किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने को लेकर भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया। SW24 न्यूज के लिए मनीष कुमोट की रिपोर्ट। आपका MP बना दिया और वहां पर वोट को बोल नहीं रहा। मध्य प्रदेश 28 सांसद है, कितने 28 28 सांसद मध्य प्रदेश में है, तो क्या 28 सांसद क्यों नहीं बोल रहे? यह नरेंद्र मोदी के बंधवा मजदूर है, यह बंधवा मजदूर है। अगर आप बोलते मोदी उनको उनकी रोजी रोटी बंद कर दी, इसलिए वो बोल नहीं रहे। अरे जनता तो परेशान हो रही है, उनको अपना मुआवजा नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, फिर नौजवान हमारा बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। मोदी कहता था मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, कहा था, किसको नौकरी थी? ये सब नौजवान आज बैठे, उनको अपना नौकरी नहीं मिल रही, उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से पढ़ा, मजदूरी कर करके पढ़ा, और आज वो MBA करके घूम रहे, और नरेंद्र मोदी मस्ती से विदेश में घूम रहा है, मदेश घूम रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी ने इसके लिए आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सुन लो कि झाबुआ से आदिवासी और हमारे गैर आदिवासी भाई खड़े हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी की भूलती बंद कर देंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।